एक ये जो प्लेग्राउंड यहाँ पे बन रहा है इस पे इतने पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं, बट अभी तो ये पूरा प्लेग्राउंड नहीं बना हुआ है सर, इस पे सिर्फ जेएसबी उन्होंने डाला है, अभी इसका कंक्रीटिंग बाकी है सर, इस पे अभी मिट्टी ऊपर डालना है सर, फेंसिंग है, बट जितना हो सके तो उतना जल्द जल्द ये प्लेग्राउंड क्लियर होना चाहिए सर, यही मेहरबानी है, हमारी यही रिक्वेस्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे हमारे सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज, आईना सच न्यूज, आईना सच का, मेरा नाम है आदित्य गुजार भट्ट, मैं क्लॉटसू का बासिंदा हूँ सर। सर यहाँ पे जो एक प्लेफील्ड इस वक्त बन रहा है सर, इस पे चाहे जेके सपोर्ट्स काउंसिल ने कुछ फंड अलाट किया है, वो जो इसका कंट्रैक्टर है उसने इस पे थोड़ा सा काम किए हैं अभी सर, अभी लगभग 15-20 दिन से अभी काम बंद है, पता नहीं किस वजह से बंद है सर। हम अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनसे यही दरखास्त करते हैं ये प्ले फील्ड जल्द जल्द क्लियर होना चाहिए ताकि हम इस पे खेल सकें। आपको पता है कि आज के दौर में कितने जो नौजवान हैं वो ड्रग अब्यूज के साथ वाबस्ता हैं कि वो नहीं चाहते हम सर, हम यही चाहते हैं कि ये जो प्लेग्राउंड यहाँ पे बन रहा है इस पे इतने पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं, बट अभी तो ये पूरा प्लेग्राउंड नहीं बना हुआ है सर, इस पे सिर्फ जेएसबी उन्होंने डाला है, अभी इसका कंक्रीटिंग बाकी है सर, इस पे अभी मिट्टी ऊपर डालना है सर, फेंसिंग है, बट जितना हो सके तो उतना जल्द जल्द ये प्लेग्राउंड क्लियर होना चाहिए सर, यही मेहरबानी है, हमारी यही रिक्वेस्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे हमारे जेके सपोर्टर्स, जो ग्राउंड बनेगा ही नहीं, मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान की वो उस पूरे दशनीपुरा इलाके के लिए एक नमूना होगा और अच्छा एक बच्चों के लिए खेल कूद के लिहाज से अच्छा ग्राउंड बनेगा। रही बात अब सर, अब एक बात ये है कि उस पर हमने 1 करोड़ खर्च करना है इस साल का, जो हमारे प्लान है कैपेक्स में है, वो यूटी कैपेक्स में है, 1 करोड़ इस साल उस पर खर्च करना है। रही बात की इंशाल्लाह रहमान अगले 1-2 साल के अंदर अंदर आपको एक अच्छा ग्राउंड प्ले फील्ड मिलेगा काटसू में, अगर उसमें कुछ कमियां अभी है, आपके नोटिस से आपने के माध्यम से मुझे पता चला है कि अभी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी कुछ कमियां हैं, तो हमारा जो काउंसिल की मीटिंग चल रही अब चलने जा रही है कुछ दिनों के बाद जो काउंसिल चलेगा, तो उसमें लाजमन में उस एग्जिन को बुला के वहां उससे बात करूंगा और आपको एश्योर करता हूं आपके माध्यम से लोगों को और बच्चों को जिन्होंने काफी मेहनत मशक्कत की उसके लिए कि उनको वो ग्राउंड मिलना चाहिए, तो उनको मैं आपके माध्यम से आपके वसादत से मैं उनको एश्योर करता हूं कि उनको